कि जो नयापन है वो ये है कि पहली बार अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के अगर आप घोषणा पत्रों को पीछे का हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पहली बार ऐसा कोई घोषणा पत्र में, जैसा कि हमने कहा है कि 11 वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हित में रही है और हमने हमेशा ख्याल रखा है कि किस तरह से हम अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ के उनकी सहायता कर सके। जैसा कि हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए कार्य हुए, तो वह है, तो हमने संकल्प लिया है कि हम BPL परिवारों में जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपए होती थी और जिसे बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपए किया था, उसे अब आने वाले समय में हमारी सरकार 51,000 रुपए करेगी। ये हमारा ऐसा पहला संकल्प है। और उसके बाद हमने अगली जो बात कही है वो है जो 6ठी से 12वीं तक की बच्चियां हैं, क्योंकि उन्हें आए दिन जो है सफर करना पड़ता है, स्कूल घर से दूर होते हैं, तो उनके लिए हमने साइकिल देने की बात कही है। और उसमें जो बच्चियां हमारी स्नातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी उनको हमने स्कूटी देने की बात कही है। उसी प्रकार से हमने कहा है कि महिला उद्यमी जो होम स्टे स्थापित करना चाहती हैं, और होम स्टे मतलब वो बहनें जो हैं वो अपने घर में रह करके, उसी घर में रह करके वो टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो उन होम स्टे को भी स्थापित करने के लिए हमने 500 करोड़ रुपए के ऐसे कॉर्पस फंड हम बनाएंगे जिसमें कि उन्हें कम दर पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और उससे भी हम उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने जो स्वयं सहायता समूह है उन पर भी जो ब्याज दर लगती है, वो जो ऋण लेती हैं, उसको भी हमने 2% तक कम करने की बात कही है। कहा है कि जो भी हमारी गर्भवती बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, उनको हम 25,000 रुपए उनकी गर्भावस्था के धारण करने से लेकर के और उनके बच्चे के जन्म लेने तक 25,000 रुपए की जो है हम सुविधा प्रदान करेंगे, जो उस ना केवल मातृ की बल्कि उस शिशु की जो उसकी स्वास्थ्य है उसकी चिंता के लिए बहुत अधिक सहायक होगा। ये ऐसे 11 कुछ वादे हैं जो हम अपनी माताओं बहनों के लिए कह रहे हैं और हम केवल कह नहीं रहे हैं, अब से पहले भी जो हमने कहा है वो किया है और आने वाले समय में भी जो हम कह रहे हैं हम वो करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।